हेलो फ्रेंड्स, इन माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है रंगानाथ सालके वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 98 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर शॉर्ट नोट्स 21 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे आईटीआईटी ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 5 अगस्त 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एक चीज निकल के आती है कि यदि असेसी कोई एग्जम्पशन क्लेम करता है तो ये प्राइमरी ड्यूटी असेसी की है कि उसको ये बताना कि वो उस एग्जम्पशन के फोर कॉर्नर्स में सारे कानून के हिसाब से फॉल करता है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं, असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी जिसके अंदर असेसी ने अपनी एग्जम्प्ट इनकम 53 लाख रुपए क्लेम करी, 53 लाख रुपीज क्लेम करी। जब एसएससी की असेसमेंट चल रही थी तो एसएससी से पूछा गया कि आपकी ये 53 लाख रुपए की एग्जम्प्ट इनकम कैसे है, तो एसएससी ने बताया कि ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है और मैं अनियन प्याज जो है वो एक्सपोर्ट करता हूं। जब उससे अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए कहा गया तो एसएससी ये प्रूव नहीं कर पाया कि एसएससी ये ओनियन को एक्सपोर्ट कर रहा था। एसएससी ने कहां से सीड्स खरीदे, एसएससी ने कहां से पेस्टिसाइड्स खरीदे और एसएससी ने क्या क्या खर्चे किए, कोई भी उसका एविडेंट्री वैल्यू जो है वो एसएससी नहीं दे पाया। एसएससी एक और बात ये कह रहा था कि साहब ये मैंने अपने किसी के साथ पार्टनरशिप में काम किया था, ये मैंने कल्टीवेट नहीं किया, मेरे पार्टनर ने कल्टीवेट किया था और जो भी वैल्यू आई उसका हमने आधा आधा किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एसएससी ये कह रहा है कि मेरी 53 लाख की एग्जम्प्ट इनकम है तो दूसरे पार्टनर की भी 53 एग्जम्प्ट इनकम रही होगी और जब इनकम 53 लाख है तो सेल जो है वो ज्यादा रही होगी। जब असेसिंग ऑफिसर के पास मैटर चल रहा था तो असेसिंग ऑफिसर एसएससी के इस एग्जेम्प्ट वाले जो कैलकुलेशन थी उससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि सब्सटेंशियल एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया था। असेसिंग ऑफिसर साहब ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से अनियन की इनकम निकाली। असेसिंग ऑफिसर ने एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के अंदर एक आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल के अंदर यह बताया गया था कि किस तरीके से ऑनियन की खेती होती है, पर हेक्टेयर कितना प्रॉफिट होता है और किस तरीके से जो ऑनियन की खेती के अंदर चैलेंजेस होते हैं, तो उन सब चीजों को कंसीडर करते हुए असेसिंग ऑफिसर साहब ने यह कैलकुलेट किया कि जितनी जमीन करीबन 7 हेक्टेयर के करीब एसएससी की जमीन थी उस पर यदि ऑनियन की खेती की जाती है तो करीबन एसएससी को 3.62 लाख की ऑनियन की इनकम हो सकती है। तो असेसिंग ऑफिसर ने 53 लाख में से 3.62 को एग्जेम्प्ट कर दिया और बाकी 49.37 लाख को टैक्सेबल कर दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। असेसी सीआईटी अपील साहब के पास गया, सीआईटी अपील साहब ने भी देखा कि जो असेसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो बहुत ही लॉजिकल, टेक्निकल और सेंसिबल है। सीआईटी अपील ने भी जो एडिशन की गई थी उसको सस्टेन रखा। एसएससी जो है वो आईटीएटी के अंदर गया, जब आईटीएटी की हियरिंग चल रही थी तो एसएससी जो है वो अपीयर नहीं हुआ, फिर भी आईटीएटी ने एक बहुत रीजन जजमेंट पास किया। आईटीएटी का कहना यह था कि एसएससी जो है वो कहीं पे भी ये सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया कि एसएससी जो है वो अपनी एग्रीकल्चर की इनकम कमा रहा था, ओनियन को एक्सपोर्ट कर रहा था, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि ये एक्सपोर्ट हुआ, इसके लिए सीड्स खरीदे गए, इसके लिए पेस्टिसाइड्स खरीदे गए, इसके लिए अदर मशीनरी खरीदी गई, ऐसा कुछ भी एसएससी जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं लाया था। फिर भी आईटीएटी ने जो असेसिंग ऑफिसर ने 3.62 लाख की एग्जम्पशन दी थी एग्रीकल्चर इनकम की उसको बढ़ा करके 5 लाख तक करके एक ये कहा कि भाई एसएससी को और थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन जो मेजरली असेसिंग ऑफिसर ने इनकम को टैक्सेबल किया है वो ठीक है। फ्रेंड्स, इस तरीके के असेसमेंट ऑर्डर बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां पे असेसिंग ऑफिसर इतनी मेहनत करते हैं कि वो किसी मैगजीन में से पूरी साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट करें असेसी की इनकम को और एक रीजन्ड ऑर्डर पास करें। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ए गुड वर्क डन बाय असेसिंग ऑफिसर। अंत के अंदर आईटीएटी से भी एसएससी को रिलीफ नहीं मिला क्योंकि एसएससी के जो एविडेंस थे बहुत वीक थे और इस केस से ये बात निकल के आती है कि यदि आपको एग्जम्प्ट इनकम क्लेम करनी है तो आप खाली रिटर्न फाइल कर देने से, इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर इनकम क्लेम कर लेने से बात नहीं बनती, आपको उसको सब्सटेंशिएट करना होता है। तो दिस केस गोज इनटू द फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट
एंड इन दिस केस इट वॉज डिसाइडेड दैट द एसएससी वॉज नॉट मेजरली डूइंग द बिजनेस ऑफ द अनियन, ही वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द ऑनियंस, इट वॉज जस्ट एन आई वॉश। इस केस के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है रंगानाथ सालके वर्सेज एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 98 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 21 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे आईटीआईटी ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 5 अगस्त 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।